चतराल अपर, चतराल लोअर, अपर बीर लोअर, बाजोड़, मलाकड़, सवार, शंगला, बलियर और मर्च मीडिया के जो साथी थे वो भी हमारे साथ बैठे थे इस टाइम पे। हमारे साथ मलाकड़ भी ये गवर्नमेंट मीडिया के कॉन्ट्रेक्टर के नुमाइंदे सब इकट्ठे हुए हैं और मलाकड़ जमीन के घटे के नुमाइंदे का कानून के मुताबिक 25 अमेंडमेंट के मुताबिक इस आरोप 12-13 के मुताबिक हर किस्म टैक्स से हमें इस्तेसना हासिल है, लेकिन सूबाई हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स के नाम पर 7% और LBR ने अभी हमें 9% के नोटिस भेजे हैं। तकरीबन ये नोटिस जो है ना ये दुकानदार जो हर किस्म कारोबारी लोग थे उसको भी भेजे गए हैं। हम उसके भरपूर मजम्मत करते हैं और जो हमारा जो इलाका है ये बिल्कुल टैक्स एग्जम्प्ट एरिया है, मलाकंड डिवीजन और पाटा एक टैक्स फ्री जोन है। हमारा जो कारोबारी लोग है ये किसी भी टैक्स को देने के लिए तैयार नहीं है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला जो है ना ये हमारा फंड्स का है। तकरीबन 2013 से ये मसला चला आ रहा है। तकरीबन हमारा जो मलाकंड डिवीजन है इसके जो कंट्रेक्टर्स है तकरीबन 10 अरब हमारा अभी तक लाइबिलिटी बना हुआ है और जो मर्ग डिस्ट्रिक्ट है उसके तकरीबन 7 अरब लाइबिलिटी हुकूमत के साथ है। और हमारा जो तीसरा मसला है कि प्रोड्यूस के मुताबिक जिसमें फंड दस्तियाब न हो उसको टेंडर ना किया जाए। 2013 से हमारे जो बकाया जात आ रहे हैं उसके लिए हमारे साथ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल काम नहीं करवा रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस मीडिया के जरिए उस गवर्नमेंट से मुतालिब करवा रहे हैं और कि हमारा जो बकाया जात है उसके लिए जल्द अज जल्द बंदोबस्त किया जाए। और जो मर्ज एरिया है मलाकंड डिवीजन एक न होने की वजह से अभी जो खेपरा रूस है वो लोगों से कह रहा है कि आप परफॉर्मेंस गारंटी दे दें, वह पर मलाकंड डिवीजन में रिन्यू एक्ट नहीं है, न होने की वजह से ये नहीं बन सकता। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पहले से जो इंश्योरेंस गारंटी उसको था उसको बहाल किया जाए, हमारा ये मुतालबा है कि इंश्योरेंस गारंटी जो है ना उसको एक्सेप्ट करवाया जाए। टेंडर डिपार्टमेंट के साथ फंड की दस्तियाबी की वजह से हमारे बहुत से मनसूबे है जो पर मुकम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा भी ऐसी फार्मूले के तहत इस पर इंस्टॉलेशन किया जाए और कायबोर कराची इंटरवे कानून के मुताबिक जो हमारा 2% 7% तकरीबन 9% बनता है हमारा वो मुतालबा है उसको हमें दिया जाए, उसको शामिल करवा दिया जाए। तकसीम किया जा सकता है, तकसीम नहीं किया जा सकता जो खुला कानून के खिलाफ होती है। जो मन पसंद ठेकेदार है केवरा रूल 31 के तहत जो मन पसंद ठेकेदार है वो उसको टेंडर से नवाजता है, लिहाजा उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं उसको फौरन बंद किया जाए। पहले थे रायशुदा 10% जो रेट था उसको राइज किया जाए, विलो रेट जो है ना उसको राइज किया जाए। माइनिंग डिपार्टमेंट जो रेट और वजन जो हमारी लोगों की मजबूत है उस पर टिप्स लगाना उसको भी पूरे बंद किया जाए। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है CDA चीफ इंजीनियर साहब बैठा हुआ है अरीब साहब, उससे हमारा रिक्वेस्ट है वो जो मामूली के ऊपर ठेकेदार को तकरीबन 6 महीने 3 महीने वो उसको करवा रहा है कि ये चीज़ में कमी है वो चीज़ में कमी है जो हमारे ठेकेदार के जुम्मे में नहीं आते जो डिपार्टमेंट का काम है। तीसरा हमारा ये हमारे सबसे बड़े मुतालबात थे मैंने उसको मीडिया के जरिए पेश करवा दिया है। जो CM साहब है हमारा मलाकंड डिवीजन का है मैं उससे जरूर मुतालबा करता हूँ कि वो हमारे टाइम दे कि वो जो मुतालबात है जो हमारे मुश्किल है कि हम उसके साथ मिले कि वो उसको हल करवाए। सबसे अहम मसला जो है ना ये टैक्स का है। हम मलाकंड डिवीजन के लोग और फाटा के लोग किसी भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कानून के मुताबिक हमें इस्तेसना हासिल है। 25th अमेंडमेंट के तहत हमें इस्तेसना हासिल है। थैंक यू सबका शुक्रिया।
उत्तराखंड डिवीजन मेरे साथ हमारा सीनियर ने सदन बेटा है, जावेद अख्तर बेटा है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारा बेटा है, पार्ट ऑफ उमर के लिए है, उनके रिप्रेजेंटेटिव बेटा हुआ है। असल मसला जो पैदा हुआ है जो मलाकंड डिवीजन में क्राइसिस अभी चल रहे है आप लोगों को की वजह से लोगों को उधर अभी अवेयरनेस जो आई है अखबारों में आया है कि मलाकंड डिवीजन के जितने भी कॉन्ट्रेक्टर है या दुकानदार है या जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको कानून और आईन में, आईन पाकिस्तान सबसे सुप्रीम इदारा है उसी में मलाकंड डिवीजन और पाटा एरिया जो मर्ग एरिया है उसको और हमारे मलाकंड डिवीजन को आईन में इस्तेसना हासिल है कि इधर कोई भी टैक्स नहीं हो सकता क्योंकि 25th अमेंडमेंट के तहत इसमें कोई भी टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है। गवर्नमेंट ने इन लोगों को एक सहूलत दी है, रिलीफ दी है ताकि इधर बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो और लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड बुलंद हो जाए। मगर अभी इनकम टैक्स वालों ने आईन को वायलेट करके, आईन को कानून तो छोड़ लो, आईन को वायलेट करके मलाकंड डिवीजन के बिजनेस कम्युनिटी को नोटिस से भेजे है और कब से भेजे है 2018 से भेजे है। 2018 में आपने जो अकाउंट है उसमें आपने इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये ट्रांजेक्शन हुआ है इस पर 9% टैक्स है। जबकि उधर एक बंदे को जो आप सब साथियों को पता है कि कोई बंदा काम करता है तो स्टील का रेट सबको पता है कि रोजाना किधर जा रहा है, सीमेंट का रेट किधर जा रहा है, कितना हाई हो रहा है। अभी 2018 उसी रेट से बंदे किधर से वो टैक्स पैदा कर सकते हैं, किधर से उनको पैसे दे सकते हैं। जबकि एक चीज आईने पाकिस्तान में वो मुबर्रा है, आईने पाकिस्तान एक सुप्रीम इदारा है मगर एक इनकम टैक्स का कमिश्नर वो आईन पाकिस्तान को वायलेट करके उधर लोगों को नोटिस से भेज रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट से हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे मलाकंड डिवीजन का है, इसी एरिया का है, उससे भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा आप अपनी मलाकंड डिवीजन के लोगों को जरा रहम करें, उनको जरा देख ले कि लोगों के साथ ये आपके जो सरकारी लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को किस किस मुसीबत में मुबतला कर रहे हैं। जबकि आईने पाकिस्तान ने एक रिलीफ दी है तो कम से कम अल्लाह ये ऑफिसर इन लोगों को तंग न करे। तमाम नुमाइंदों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा ताल्लुक एक पाटा से है और इसका मैं तर्जुमान हूँ, यहाँ पे मैं उसका नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है ये एक छोटी कॉन्ट्रेक्टर बरादरी है, जितने भी कारोबारी तबके हैं ना उसकी जो मसाइल है स्पेशली कॉन्ट्रेक्टर बरादरी की उसको मौजू बनाया गया है। हमारे मलाकंड की डिवीजन के जो साथी है ना उनको एक मसला दरपेश हुआ है। जिस तरह हमने मुझसे पहले साथियों ने कहा कि मलाकंड डिवीजन में जो ये इलाके जब जम हुए हैं तो 25th अमेंडमेंट के थे तो वहाँ पे हमें क्लियर कट ये बात हमारे नोटिस में आई और इसमें एसआरओ इशू हुआ। आईन में अमेंडमेंट की गई कि जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है या जो भी निम टैक्स है ये मरीज एरिया और मलाकंड डिवीजन इससे 2023 तक एग्जेम्प्टेड है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुकूमती इदारे, हमारे सरकार उस आईन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, उस अमेंडमेंट की पासदारी नहीं कर रहे हैं और हमें इन्फोर्स कर रहे हैं, मलाकंड डिवीजन के साथियों को इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप 2018 से जो पेंडिंग टैक्सेस है वो भी अदा करें और नया सिलसिला भी उसने नोट्स भेजने का शुरू किया है। हम इस बात तमाम मरीज एरिया की तरफ से हम इस बात की मजम्मत करते हैं जो रवैया बिहार ने मलाकंड डिवीजन के साथियों के साथ अख्तियार किया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और भरपूर मजम्मत करेंगे और इंशाल्लाह हम एहतजाज के हद तक इसकी मजम्मत करेंगे और किसी भी सूरत में कानून की वायलेशन को हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात जो यहाँ जिक्र हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, प्रेस रिलीज हो रहा था, उसमें जिक्र हुआ कि जब टेंडर होते हैं ना महकमों में, स्पेशली पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो उसमें सोलर बेस दो सिविल में दो काम हाथों होते हैं, एक सिविल वर्क होता है, एक सोलर बेस वर्क होता है। केंद्र रूल के मुताबिक 31 नंबर रूल के मुताबिक कोई भी पीसी वन आप स्प्रेड नहीं कर सकते।